सह प्रभारी उत्तराखंड रेखा वर्मा के गढ़वाल भ्रमण के दौरान पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार को विकासखंड कोट के सीता माता महा समाहित स्थल फलसवाड़ी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया गया, जिसमें उक्त स्थल की सफाई कर पॉलिथीन और अन्य कूड़ा साफ सफाई किया गया। उसके उपरांत लोकसभा सांसद उत्तराखंड से प्रभारी रेखा वर्मा द्वारा पौड़ी सर्किट हाउस में पर्यावरण मित्रों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान विधायक मुकेश कोहली, जिलाध्यक्ष संपत रावत, कोट ब्लॉक प्रमुख पूर्णिमा नेगी, सुषमा रावत सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। आज सेवा और समर्पण का एक के तहत एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। उसमें हमारी जो सह प्रभारी हैं उत्तराखंड की और आदरणीय सांसद जी हैं, उनका ये विचार था कि हमने कोरोना काल में जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस निमित्त लगभग पौड़ी में कम से कम 50 जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको आज सम्मानित किया गया। उनको माननीय सांसद जी ने शॉल उड़ाकर और उन लोगों का सम्मान किया है। तो एक तो ये कार्यक्रम था, दूसरा आज गंगा को स्वच्छ करने का एक कार्यक्रम था स्वच्छता के आधार पर। विधायक प्रेम सिंह राणा के विधानसभा क्षेत्र तथा खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड में नाले निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने, साथ ही साथ कछुआ चाल का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना धूबर हो गया है, जल भराव की स्थिति बरकरार है, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनुज अग्रवाल ने बताया कि नाली निर्माण के में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़क को पूरी तरह तोड़ दिया गया है, सड़कों पर जल भराव बढ़ गया है, साथ ही साथ घरों के आगे मलबा भी पड़ा हुआ है। अभी जो है वहाँ के ग्राम मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है तो उस संबंध में जो है जो खटीमा से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मैम, मेरे पास भी फ़ोन आया था, मैंने ठेकेदार को उस संबंध में बुलाया है और उसे मैंने पूछा है कि भाई देर क्यों हो रही है इसको बनाने में। और जहाँ तक मुझे लगा वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, बासिंदे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई सड़क पहले बने, उस सड़क के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करनी होती है, वो नाली वो बनाने दें और अगर कुछ में देर हो रही तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें तो उसकी जाँच होगी। ये भुवन जोशी नाम का एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है। उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया है। मैंने आगे ठेका दे दिया है और जो आगे ठेकेदार है अब मैं उससे कह रहा हूँ वो उस बात को नहीं सुन रहा है। और समस्या क्या है वहाँ पे नाली में, क्या समस्या ये है कि जो नाली निर्माण हो रही है उसमें घटिया सामग्री लग रही है, उसमें रोड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उसमें स्लेब नहीं, उसमें जो स्लेब डाले गए उससे नाली बंद हो गई है, उसमें जो उसका ढाल है वो सब पानी वहीं का वहीं जमा हो जा रहा है, लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है जो 20-25 दिन से उठ नहीं रहा है। खबर लक्सर से है जहां टायर फैक्ट्री के आंदोलित श्रमिकों द्वारा सीएम के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया जाने पर पुलिस प्रशासन के साथ ही कार्यक्रम आयोजक लक्सर विधायक संजय गुप्ता के भी हाथ पांव फूल गए। विधायक गुप्ता लक्सर एसडीएम और सीओ के साथ दौड़े दौड़े आंदोलन स्थल पर पहुंचे और फिर आंदोलित श्रमिकों को समझाने का काम किया। विधायक और दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमिकों को अपने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने और विरोध प्रदर्शन करने के निर्णय को वापस लेने को कहा कि श्रमिकों ने इनके समक्ष अपनी पीड़ा और फैक्ट्री प्रबंधन के रवैये के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया है। आपको बता दें कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे श्रमिक नेता अशोक कुमार ने साफ कह दिया कि तमाम मांगे माने जाने पर ही आंदोलन समाप्त होगा। इस पर विधायक और दोनों अधिकारी लौट गए, लिहाजा मामला जो का त्यों रह गया। जो यहाँ पे श्रमिक जो यहाँ पर वो कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उसमें कुछ डिमांड इनकी थी, उसमें कुछ फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मांग ली गई है। इस क्रम में आज वार्ता भी हुई तो फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि पिछले 3 महीने से काफ़ी प्रोडक्शन पहले डाउन था, काफ़ी लॉस हो गया है, उसके बाद 15 दिन से पूरा काम बंद है, तो उसमें काफ़ी 1 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है।
तो इनकी जो जो अभी जो डिमांड है वो वेतन बढ़ाने की है, तो वो तत्काल रूप से कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यदि ये 15 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें इनकी जो डिमांड है उस पर पुनः विचार करके उसे कर किया जाएगा। अभी तो जो लोग अंदर गए थे उन्होंने आकर के यही कहा कि भाई आप लोग अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें और 15 दिन के बाद मैनेजमेंट आपकी मांगे मान लेगा। लेकिन हमारे तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो माननीय प्रणव सिंह चैंपियन जी का ये क्षेत्र है, पर कुछ श्रमिक मेरे क्षेत्र के भी यहाँ है, वो मेरे पास गए थे, 2 दिन से जा रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि भाई मेरे श्रमिक भूख हड़ताल पे हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनकी शिकायत सुनकर उसका समाधान करवाने का प्रयास करूं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल करके भी उसके 12 घंटे के अंदर मेरे नंबर पे कॉल हो गई थी। ये तो काफी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पांस आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। खुदी को आजमाया न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर पेट्रोल 30 पैसे और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों पर 15 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं रामट्रा की चीजों के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम आदमी को कहीं से भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बढ़ती महंगाई पर उत्तराखंड में सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि 2014 में जो सिलेंडर 358 मिलता था आज वो 1000 रुपये में मिल रहा है, और जो पेट्रोल 60 रुपये मिलता था आज वो 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है। और जब इससे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रधानमंत्री की नाकामी के सबूत हैं। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस अब उपवास पर बैठ गए। उपवास पर बैठे कांग्रेसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता उपवास पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उपवास पर बैठे हैं कांग्रेसी। पीएम का राज्य के लिए कोई घोषणा न किए जाने से नाराज है कांग्रेसी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर लगाया राज्य की उपेक्षा का आरोप। उपवास पर बैठे कांग्रेसी, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उपवास पर बैठ गए हैं कांग्रेसवासी। पीएम का राज्य के लिए कोई घोषणा ना किए जाने से नाराज है कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर लगाया राज्य की उपेक्षा
राज्य के लिए कोई घोषणा नहीं की, इससे नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उपवास कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। पीएम का राज्य के लिए कोई घोषणा ना किए जाने से नाराज हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता अब उपवास पर बैठे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे और प्रयास लगाए जा रहे थे कि राज्य के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसके बाद कोई घोषणा ना किए जाने की वजह से अब कांग्रेसियों में रोष। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का